लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देख क्या रहा है, उठा ले अपने हिस्से का नया चंदन लगा के। दया कीजिए मुनीम जी, इस बार फसल बहुत कम हुई है, अगर तीन हिस्से आप उठा ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आपको इन नन्ही जानों का वास्ता है मुनीम जी। लो भाइयों सुन लो, अरे वास्ता भी दिया तो इन नंगे भूखों का, अब आप ही बताइए मैं क्या इसके साथ में अन्याय कर रहा हूँ। अरे भाई आखिर ठाकुर साहब का हक ही मांग रहा हूँ ना। शेरू देख क्या रहे हो, उठा लो सामान। नहीं मुनीम, इन्होंने कड़कती धूप में अपना जिस्म जलाकर यह अनाज पैदा किया है। इस अनाज का एक एक दाना गंगू के पसीने से नहाया है। इसे सींचने में गंगू के खून की एक एक बूंद खुश्क हुई है। इस पर सिर्फ गंगू का अधिकार और किसी का नहीं है मुनीम। लो भाइयों सुन लो, फसल के लिए बीज उधार दे तो ठाकुर, बैल खरीदने के लिए नकद रकम उधार दे तो ठाकुर, और फसल कट जाए तो अधिकार गंगू का। मित्रवर अगर इतना ही अधिकार दिलाने का शौक है तो कर्जा खुद क्यों नहीं चुका देते। अरे जिस खाते में सिर्फ जमा ही जमा लिखा है वो कर्जा तो भगवान भी नहीं चुका सकता मुनीम। शिवा ठाकुर के काम में दखल देगा तो पछताएगा। पछताएगा वो जो गरीब के मुंह से निवाला छिनेगा। तुम लोग मुझे यहाँ इसकी धमकियाँ सुनवाने के लिए लाए हो चंदन लगा के? उठा शराम जा, देखो मैं कहता हूँ शिवा उठ जा। अरे शिवा अगर उठ गया तो तुम लोग जमीन पर लेटे होगे। अरे देख क्या रहे हो, बीच डालो खुद की तरह से। मारो मारो मारो, लगता है तुम लोग लाठी की भाषा ही समझते हो। अपना अनाज कर ले जाओ। शिवा आज तो तूने बचा लिया, लेकिन ठाकुर का जुल्म एक बेकाबू घोड़े की तरह है। घबराओ मत माजी, अपने पास भी लगाम जोरदार है। लगाम की जगह तो मुझे तुम्हारे बाल पकड़ने चाहिए थे। खबरदार जो मुझे छुआ। क्यों? छूत की बीमारी है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ देता। Shut up! जानते हो किसे बात कर रहे हो? कोई भी हो, लड़की हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी इस बाजार में घोड़े पे बैठ कर आई तो मैं तुम्हें घोड़े से बांध कर वापस भेज दूंगा। जाने दे शिवा, चल घर चल। गलत जगह तो नहीं आ गया? घर तो मेरा ही है। कौन हो तुम? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम लोग कौन हो और इस मकान के अंदर कैसे आए? तुम यहाँ भी? अच्छा तो ये सब तुम्हारी साजिश है? कैसी साजिश, हमने 500 रुपए देकर मकान किराए पर लिया है। देखिए ये मकान मैंने अपनी माँ के लिए बनवाया है, होटल के लिए नहीं। चलिए अपना बुढ़िया पैसा उठाइए, चलिए। अरे अरे ये क्या जबरदस्ती है?
जबरदस्ती आपने किया मेम साहब, ऐसे यहाँ रह रही है जैसे जिंदगी भर यही रहना। चलिए मकान खाली कीजिए। चलिए खाली नहीं करेंगे। अरे कैसे खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए मैं सब, मैं आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ, जाइए आप। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे कैसे नहीं जाएंगे? तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें इस बेइज्जती का मजा चखाऊंगी। मजेदार चखाना मैम साहब, क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छी चीजें चखने का शौक है। आइए आइए, वो रहा शिवा। सरपंच जी आप? शिवा, आज तक तेरे खिलाफ जितनी शिकायतें आई, पंचायत ने उन पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि तूने हमेशा गरीबों की मदद की है। और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन आज जो तूने ठाकुर की बेटी के साथ किया, क्या किया मैंने? कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसाएगा क्या मैं बाहर नहीं निकलूंगा? इसने निशा देवी का अपमान किया, नारी जाति के साथ अन्याय किया। अरे ओ अन्याय के नए नुक्ते, क्या किया रे तेरी देवी के साथ? तूने बलात्कार करने की कोशिश की, उनकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। पैर की ठोकर, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है। मैं तुझे और तेरे ठाकुर को यहाँ जिंदा कर दूंगा, समझे? देखो भाइयों, अरे देखा इसका जुल्म, देखी इसकी गुंडागिरी। अरे आज तो इसने ठाकुर की बेटी पर हमला किया है, कल अगर तुम्हारी बहू बेटियों को हाथ लगाएगा तो तुम क्या कर लोगे? इस साले बदमाश को मारो, 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 मारो। जिसने भी माँ का दूध पिया सामने आ जाओ।